हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स के आप लोगों के लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू। सो आज रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग जो है गाइज जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप डिवोर्स्ड हो, आप सेपरेटेड हो, आप मैरिड हो, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, जेंडरलेस और जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस की है। ठीक है, आप रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। सो गाइज, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। सो जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। अगर आप चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टा का जो मेरा आईडी है वो है tarot.313। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे फोकस रखिए, मैं देखूंगी आपके पर्सन, आपके क्रश, अपने क्रश के लिए भी इवन कि आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने जिसके साथ आप करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट मैसेज क्या है। आई लव माई किड्स। आई थिंक आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये पर्सन मैरिड है या आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि या फिर आप लोग इस पर्सन से मैरिड थे और आपके बच्चे भी हैं। ठीक है, सो ये पर्सन के अगर आप लोगों से सेपरेशन हो भी गया है तो भी ये पर्सन अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी से मैरिड है तो इस पर्सन के बच्चे हैं। और ये पर्सन का आपको मैसेज है कि ये पर्सन अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, एंड सेकेंड मैसेज है, माई मदर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। डेफिनेटली ये इस पर्सन की मदर की तरफ से कोई इश्यू है। ठीक है, इसकी मदर जो है आपके पार्टनर्स की मदर जो है, ठीक है, जेंडर कुछ भी हो सकता है गाइस, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन की मदर की तरफ से इशू है। ये पर्सन की जो मदर है वो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, या तो वो एग्री नहीं है आपके इस रिलेशनशिप के लिए, या आपके इस कनेक्शन के लिए, आपकी इस शादी के लिए। दैट्स वाई ये पर्सन जो है शायद आपकी तरफ नहीं आ रहा, या इस पर्सन ने अपनी मदर की एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और ये पर्सन की थर्ड पार्टी से शादी हो गई और जहाँ पे इस पर्सन के बच्चे भी हैं। नेक्स्ट, आई फैंटसाइज अबाउट यू लविंग मी अगेन। सो आपके पर्सन जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, फैंटसाइज करते रहते हैं आप लोगों से दोबारा प्यार करने का। ठीक है, ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करता है। ठीक है, ख्यालों की दुनिया में रहता है जहाँ ये पर्सन फैंटसाइज करता है कि ये पर्सन दोबारा आपसे रीयूनियन कर रहा है, दोबारा आपसे मिल रहा है और आप दोनों के दरमियान दोबारा से वही प्यार हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड है या थर्ड पार्टी पोजिशन पे है तो इस पर्सन पे किसी ना किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे हैवीली फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है, आप लोग जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन या तो आपसे मैरिड था और सेपरेशन हो गया, या ये पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है और इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स। आप इस पर्सन की थॉट्स में हमेशा से हो। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है। इवन कि इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ भी किया है, तब भी ये पर्सन स्टिल आप लोगों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है गाइस। आप लोगों के बारे में ही सोचता रहता है, आप लोगों को फैंटेसाइज करता रहता है। यू आर माई प्रिंसेस एंड प्रिंस। डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए प्रिंसेस हो और प्रिंस हो। ठीक है, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, दोबारा आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं ये पर्सन। अगर थर्ड पार्टी पोजीशन पे भी है तब भी ये पर्सन अपने बच्चों से प्यार करता है, चाहे थर्ड पार्टी से प्यार करता हो या ना करता हो, बट ये अपने बच्चों से प्यार करता है। और आप लोगों के लिए भी लव है जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों को सोचता है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है कि आपको प्यार कर रहा है और आपको देखता है आप उसके प्रिंस हो या प्रिंसेस हो। बट इस पर्सन पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं सकता। ओके, यू मेक माई सोल हैप्पी। सो डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन की सोल को हैप्पी करते हो। ये पर्सन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है। आप लोग इस पर्सन के लिए कंफर्ट हो। ठीक है, आप लोग इस पर्सन का कंफर्ट जोन हो। आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फील करता है, एक पॉजिटिविटी फील करता है। आप लोग इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा कंफर्ट एक ऐसी चीज़ की तरह देखता है। आपको ये पर्सन देखता है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है आपके साथ। आप लोगों की सोल इतनी ज़्यादा प्योर है और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि इस पर्सन को ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ हैप्पीनेस फील होती है। ओके,
ये भी आ रहा है. आई ड्रीम अबाउट बींग क्लोज टू यू. सो ये पर्सन ड्रीम्स करता है ऐसा कि ये पर्सन आप लोगों के करीब आ रहा है, ठीक है, या आप लोगों के क्लोज हो रहा है या ये आपके क्लोज आना चाहता है. डेफिनेटली ये पर्सन की यहाँ पे ड्रीम बहुत ज़्यादा है गाइस, ये ड्रीम है, ये फैंटेसाइज है. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ड्रीम्स करता है, ये पर्सन ख्यालों की दुनिया में रहता है. ये पर्सन हो सकता है आप लोग इस पर्सन को ड्रीम्स में भी देखते हो, ये पर्सन भी आपको ड्रीम्स में देखता हो, ठीक है. 5D लेवल पे आपका कनेक्शन हो सकता है. बट ये पर्सन सोचता बहुत है, वो ख्याली प्लाउ जिसको बोलते हैं ना, ये पर्सन वो उस तरह सोचता रहता है, ठीक है. डे ड्रीमिंग करता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेके, फैंटेसाइज करता है, डे ड्रीमिंग करता है, आपके बारे में सोचता है. आई एम इन सो मच पेन. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है. डेफिनेटली आप लोगों से सेपरेशन मोड है, तो ऑब्वियसली इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है इस पर्सन को आप लोगों से दूर रहने से, बिकॉज आप लोगों से दूर है इसीलिए. लिसन टू माई साइलेंस प्लीज़. इस पर्सन की खामोशी को आप लोग सुने प्लीज़, ठीक है. ये पर्सन आपको कह रहा है, ये पर्सन बोल तो कुछ भी नहीं रहा, बट फिर भी आप लोग इस पर्सन की साइलेंस को सुने, बिकॉज ये आपके पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में है. डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है. मुझे यहाँ से हैवी फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है. ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने कनेक्शन जो है ख़त्म किया है. और इस पर्सन की मदर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, ठीक है. अगर मदर का नहीं होगा तो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से किसी ना किसी की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों से इस पर्सन ने रिलेशनशिप जो है आगे नहीं रखा. आई वॉन्डर इफ़ यू एवर थिंक ऑफ मी. सो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हैरत है, इस पर्सन को नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में सोचा होगा. ऑब्वियसली इस पर्सन को पता है इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया पास्ट में, और अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग इसने जिस तरह आपके साथ बैड बिहेवियर किया है पास्ट में, और अब इस पर्सन को है कि आप लोग को कहाँ सोचते होगे इस पर्सन के बारे में, ठीक है. इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप लोग इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है और आप खुद भी पेन में हैं. आई विश यू पीस, हैप्पीनेस एंड लव. ये पर्सन आपको विश कर रहा है पीस, हैप्पीनेस एंड लव, कि आप लोग ज़िंदगी में आपको प्यार मिले, आपको खुशियाँ मिले और आप लोगों को पीस मिले. ये पर्सन का आपके लिए मैसेज है. एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है, आई विल ऑलवेज लव यू. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको हमेशा प्यार करता रहेगा. एंड यहाँ से है आई एम सो सैड विदाउट यू. आपके पर्सन जो है आप लोगों के बगैर बहुत सैड हैं, बहुत पेन में हैं, और आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे चाहे आपका इन पर्सन से रियूनियन हो या ना हो. सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, ठीक है. आपके पर्सन को रिग्रेट भी है और आपसे बात करना भी चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट डेफिनेटली इस पर्सन पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, इस पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी फैमिली की है. ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है. मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में अगर रेजोनेट किया है आपसे, और ये पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, तभी आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ओके. सो गाइस, ये आप लोगों के पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ लव मैसेजेस थे, चैनल मैसेजेस थे. अगर रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.